बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बना रही हूँ मद्रासी चिकन। इसके लिए चिकन लिया है मैंने 1 किलो, और दही है 1 प्याली, सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कुकिंग ऑयल है 1 कप, 2 अदद प्याज हैं, 2 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन चाहिए मुझे। मद्रासी चिकन के लिए एक स्पेशल मसाला तो तैयार किया जाता है, उसके लिए मैंने लिए हैं 10 से 12 काली मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच सूखा धनिया, थोड़ा सा मेथी दाना और 4 से 5 सब्ज़ इलायची और एक बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है दालचीनी का, 6 से 7 साबुत गोल मिर्च जो है ना लाल वाली वो उसमें जाएंगे। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। सबसे पहले चिकन को मैं दही के साथ मैरिनेट करके तो रख लूँगी। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच दही इसको लगा के अच्छी तरह, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए से लगा रहने देंगे जी। अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी 1 कप, और इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ लहसुन 1 चम्मच तकरीबन, तो थोड़ा सा कलर चेंज होने पर मैं इसमें शामिल करूंगी जो दही लगा चिकन है वो इसमें डाल देंगे। जी लहसुन थोड़ा सा हो चुका है फ्राई, अब मैं इसमें डालूंगी ये चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने आधा घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था दही के साथ। ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, लहसुन में मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चॉप किया हुआ प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे उन्हें मैंने चॉप कर लिया, वो इसमें शामिल करेंगे, और इसके साथ ही चॉप किया हुआ टमाटर वो भी डाल देंगे। इसमें डाल के अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे, और अब इसके साथ मैं इसे ज़रा भूनूंगी। जी 5 से 7 मिनट कम से पकाने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी, लेकिन प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें जो मसाला हमने तैयार किया है मद्रासी चिकन के लिए वो मसाला शामिल करूंगी, और सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच। अच्छा, नमक मैं इसमें अभी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने इसमें दही शामिल करना है, दही, और दही के डालने के बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। अभी इसको अच्छी तरह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, तो बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी, और इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताकि ये सारे मसाले जो उनसे मुझे यकजा हो जाए। मसाला बहुत अच्छे से बन चुका है, इसका खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 प्याली दही, इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया, देखिए। जी दही डालने के तकरीबन 5 मिनट बाद मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, जो कि मैंने अभी तक डाला ही नहीं था, क्योंकि जिस खाने में दही शामिल किया जाता है पकाने के दौरान, तो उसमें जो है नमक आप बिल्कुल एंड पे डालें, क्योंकि दही का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छे से फिर इसमें शामिल हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट इसे मज़ीद पकाऊंगी ढंक के, और फिर इसका चूल्हा कर देंगे बंद।
बिल्कुल दम पे मैं डालूंगी इसमें 3 से 4 हरी मिर्च और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए मज़ीद दम। जी व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की स्पेशल मसाले के साथ हमारी मद्रासी चिकन हांडी रेडी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा जो रेगुलर हम बनाते हैं कढ़ाई, ज़रा उससे थोड़ा सा हटके है, बहुत ही मज़े की है और टेस्ट भी इसका बहुत ही शानदार है। जी व्यूअर्स, अब मैं शामिल करूंगी इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। ना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।